रही है आपके यहाँ गंदी? मैं नहीं, मैं तो वैसे भाई मालिक होना, आप बैठे हुए थे ना यहाँ पे, आप जाएंगे नहीं यहाँ पे? पुलिस आएगी तो जाएंगे आप? इनको उसको बताएं जरा, नेट कैफे जाना चाहिए बच्चों को? दुनिया जान में अच्छे तरीकों से इस्तेमाल होते हैं नेट कैफे, हमारी बदकिस्मत ये है कि हम अच्छी चीज को भी बुरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बंदा अंदर ही है। कितने पैसे बना लेते होंगे महीने के? महीने का तकरीबन 2 लाख के करीब बन जाता है। अच्छा सर, जितने नेट कैफे हैं यहाँ पे, सर पहले करना, आप मेरे मुलाजिम है, आप यहाँ खड़े हर शख्स के मुलाजिम है। कब लाजिम हूँ मैं भी पब्लिक हूँ ना, मैं कबूतर हूँ। ये कौन लोग है, किस आए हैं? पता लेके जाते हैं यहाँ सब लोगों ने बताया। से बता लेता है, लेके जाती पैसे 500 1000 इतने दिल्ली ले जाती है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूं इकरार। 2001 में इस मुल्क में इंटरनेट कैफेज का एक बदतरीन, खौफनाक और शर्मनाक स्कैंडल मंजरेआम पर आया था और इस स्कैंडल के सामने आने के बाद इस स्कैंडल की वीडियो में मौजूद बहुत सी लड़कियों ने खुदकुशी कर ली थी और बहुत से खानदान तबाह बर्बाद होकर रह गए थे। आज इस शहर यानी शहर लाहौर में ऐसे हजारों स्कैंडल्स यहाँ के इंटरनेट कैफेज में पनप रहे हैं और आज हम आपको उन इंटरनेट कैफेज में लेकर जाएंगे, इस खौफनाक माफिया के मुंह से नकाब नोच कर उतारेंगे और साथ ही साथ यहाँ के कानून का भी एक ऐसा भयानक रूप आपके सामने आएगा कि किस तरह से ये लोग इस शर्मनाक माफिया की बेखकनी की बजाय मुसलसल इसकी पुश्त पनाही में मसरूफ हैं। लाहौर शहर के तकरीबन हर इलाके में इंटरनेट कैफेज का एक ऐसा जाल और माफिया परवरिश पा रहा है जो नई नस्ल को हैजान और जिंसी जराइम की जानिब धकेलता चला जा रहा है और ये सब कुछ हो रहा है पुलिस की नाक के ऐन नीचे, बल्कि पुलिस के तावुन से। आपको ये जानकर हैरत होगी कि आज तक तो सरेआम की टीम को काम करने और बुराइयों को बेनकाब करने से मुजरिम और गुंडे रोकते रहे, लेकिन आज के इस प्रोग्राम में मुजरिमों और गुंडों का ये काम लाहौर पुलिस के एक SHO साहब ने अंजाम दिया है। भाई इसे प्रकार की बात कर, जिम्मेदारी है मेरी, इसे पहले इसे करना। सरेआम की टीम ने जब जिंसी जराइम की आमाजगाह और हजारों के हिसाब से फोश फिल्में दिखाने वाले इंटरनेट कैफेज को बेनकाब किया तो एक इलाके के SHO ने मदद करने की बजाय बाकायदा बजोरे बाजू सरेआम की टीम को काम करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन सरेआम की टीम के डट जाने और अहले इलाका के दबाव पर उन्हें पीछे हटना पड़ा, लेकिन फुहाशी के इन मराकज के खिलाफ फिर भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हमें एहसास है कि आज का ये मौजू जरा बोल्ड यानी बेबाक है, मगर यकीन जानिए हमारे घर के हर फर्द और खास तौर पर बच्चों का इस घिनौने खेल से वाकिफ होना इंतहाई जरूरी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सैकड़ों के हिसाब से मौजूद इन मखसूस तर्स के नेट कैफेज में कमरों की तरह के केबन बने हुए हैं और इन्हें अंदर से बंद करने के लिए बाकायदा चिटखनियाँ भी लगाई गई हैं। कमरों की तरह के इन केबन्स में मौजूद कंप्यूटर्स एक ऐसे सर्वर से मुंसलिक होते हैं जिनमें हजारों की तादाद में फोहश फिल्में मौजूद होती हैं। नौजवान, बच्चे और अक्सर जोड़े इन केबन्स में आकर बिला खौफ इन फिल्मों को देखते हैं और फिर यहीं की फ्रस्ट्रेशन और हैजान मुआशरे में जिंसी जराइम को फरोग देता है और कुछ सूरतों में तो कपल्स यानी जोड़े इन्हीं केबन्स में गैर अखलाकी हरकत का इर्तिकाब भी करते हैं। ऐसा ही एक जानलेवा स्कैंडल 2001 में मंजरेआम पर आया था जब एक इंटरनेट कैफे के मालिक ने ऐसे ही कमरों की तरह के केबन बनाकर फोहश फिल्में दिखाना शुरू की और फिर वहां खुफिया कैमरे नस्ब कर दिए। लड़के और लड़कियां यहां बेखुद होकर गैर अखलाकी हरकत के मुर्तकिब होते और फिर एक दिन इस इंटरनेट कैफे में मौजूद खुफिया कैमरों की रिकॉर्डिंग मंजरेआम पर आ गई या शायद लाई गई, क्योंकि इब्तदाई तौर पर तो इस इंटरनेट कैफे के मालिक ने इन लड़के और लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू किया और एक तवील अरसे तक वो ऐसा करता रहा और फिर इस रिकॉर्डिंग को लाखों रुपए के इवज फरोख्त कर दिया। आन की आन में इंटरनेट कैफे की ये रिकॉर्डिंग मुल्क के हर कोने में मौजूद थी। इस बदतरीन स्कैंडल के मंजरेआम पर आने के बाद इस वीडियो में मौजूद बहुत सी लड़कियों ने खुदकुशी कर ली और इस तरह खानदान के खानदान उजड़ कर रह गए। लाहौर में ऐसे बहुत से सानहे पनप रहे हैं। इससे पहले इंटरनेट कैफेज का ये गोरख धंधा और लोगों की जान ले
या यहाँ से फ्रस्ट्रेशन के साथ निकलने वाले लोग जिंसी जराइम का इर्तिकाब करें, सरेआम की टीम ने इन कैफेज के बखिये उधेड़ने का फैसला किया। हम सबसे पहले लाहौर की मसरूफ और मारूफ मून मार्केट पहुंचे। इस बार रौनक बाजार में वाके एक ताजे की पहली मंजिल पर 12 इंटरनेट कैफेज एक ही रॉ में मौजूद हैं और सबके सब इसी बेहुदा काम में मुलव्विस। हमने पहले अपने नुमाइंदे को एक कस्टमर बनाकर वहां भेजा ताकि इन फोहश फिल्मों की वहां मौजूदगी के शवाहिद रिकॉर्ड किए जा सकें, क्योंकि हमारे डायरेक्ट वहां पहुंचने पर तो नेट कैफे का मालिक कोई एक बटन दबाकर इन फोल्डर्स को हाइड कर सकता था। सरेआम की टीम के नुमाइंदे ने दो मुख्तलिफ इंटरनेट कैफेज में जाकर मेन सर्वर में मौजूद इन फोहश फिल्मों को खोलने के तमाम मराहिल रिकॉर्ड किए ताकि सनद रहे। वाज़े रहे कि पाकिस्तान में बहुत सी फोहश वेबसाइट्स पीटीएनए ब्लॉक कर रखी हैं। इसके बावजूद अगर कोई भी ऐसा मवाद डाउनलोड करता है या देखता है तो वो अपने फेल का खुद जिम्मेदार है, लेकिन यूं हजारों फिल्में सिस्टम में रख कर कमरे बनाकर दावत गुनाह देना, ये है असल काबिले एतराज बात। और फिर इससे बढ़ने वाली जिंसी बेराहरवी, ये थी सरेआम के लिए असल तश्वीश की बात। मून मार्केट के इन कैफेज की गंदी हकीकत रिकॉर्ड हो जाने के बाद सरेआम की टीम इन नाम निहाद इंटरनेट कैफेज में पहुंच गई। तय ये हुआ था कि एक कैमरा डायरेक्ट उस केबिन में जाएगा जहां सरेआम का नुमाइंदा मौजूद है, ताकि वहां इन फाइल्स की मौजूदगी इस कैमरे पर भी रिकॉर्ड की जा सके, और एक कैमरा काउंटर पर मेरे साथ मौजूद रहेगा। लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचे, काउंटर पर मौजूद शख्स ने हमारी आंखों के सामने एक बटन ऑफ कर दिया और यकायक इस कैफे में मौजूद सारे कंप्यूटर्स बंद हो गए। क्या बंद किया? नेट कैफे में क्या दिखा रहे हैं आप? नेट कैफे में क्या दिखा रहे हैं आप? ठीक है ठीक है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है ना मोबाइल की। क्या दिखा रहे हैं? बुलाओ बुलाओ। ये शख्स खुद को यहाँ का मुलाजिम बता रहा था, और मजे की बात यह है कि प्रोग्राम में हम जितने भी इंटरनेट कैफेज में गए, वहाँ काउंटर पर मौजूद हर शख्स ने खुद को मुलाजिम ही बताया। सब में फिल्में दिखा रहे हैं भाई। नेट कैफे क्या होता है? नेट कैफे में गंदी फिल्में दिखाते हैं, गंदी फिल्में, यूट्यूब वगैरह सब कुछ खोला। और भाईजान, आपने जो सेव करके रखी हुई है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, यूट्यूब की बात ही नहीं कर रहा। यूट्यूब तो वैसे ब्लॉक है, यूट्यूब कैसे खोला हुआ है? जरा ये भी शूट करें, जरा रहमान मलिक साहब को भी तो दिखाए ना। बंद क्यों किया सिस्टम? यहाँ से सिस्टम क्यों बंद किए? और भाई आपने सिस्टम बंद किया ना, तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। मालिक से मैं क्या पूछूंगा कि सिस्टम इसने क्यों बंद किए, वो क्या बताएंगे? यार ये अच्छा है, कॉल करें 15 पे कॉल करें। हम इस आदमी से सच उगलवाने की कोशिश कर रहे थे कि इसी दौरान बाकी के 11 इंटरनेट कैफेज वालों ने अपने कैफे बंद करके वहां से भागना शुरू कर दिया। कुछ तो इस कदर बुखला गए कि वो अपने कैफे खुले छोड़कर वहां से फरार हो गए। ये भी भाग गए। किधर गए मालिक भाई? ताला क्यों लगा रहे हो? ताला क्यों लगा रहे हैं? इसको पकड़ लें, इसको तो पकड़ाए ना भाई। मैं मुलाजिम हूँ। हाँ तो मुलाजिम है, तो आपने सिस्टम बंद किया ना मेरे सामने, तो मेरे भाई। इधर इन सबकी बनाए जो जा रहे हैं यहाँ से, सबकी बनाए। यहाँ ये वजाहत इंतहाई जरूरी है कि इन केबन्स में इन गुनाहगार आंखों ने और कैमरे की आंख ने ना चाहते हुए भी ऐसे ऐसे मनाजिर देखे के शर्म के मारे हमारे सर झुक गए। अगेन फिर जो जो कुछ हम यहाँ देख रहे हैं वो नहीं दिखा सकते। अब ये भाग चुके हैं। लेकिन यहाँ ये फिल्में देखने वालों और देखने वालियों को हम यकसर एडिट कर रहे हैं। कितने? 5, 6, 7। ये भी भाग गए। ये सारे क्यों भाग गए हैं? एक मिनट, ये क्यों भाग गए हैं ये बताओ? क्यों भाग गए? मेरी बात सुनो, नौकरी के पीछे, मेरी नौकरी जानना है, यही होगा।
अच्छा यहाँ हर कैफे में गंदी फिल्में हैं? इंटरनेट पे है यहाँ हर कैफे में गंदी फिल्में। किसी एक मालिक का है या सब अलग अलग हैं? अलग अलग हैं। आपके मालिक कहाँ हैं? मेरे मालिक घर गए। ये एक इंतहाई अजीब सूरत हाल थी। हमने 15 पर पुलिस की मदद चाही और कुछ ही मिनट्स में पुलिस वहां पर मौजूद थी, क्योंकि थाना यहां से सिर्फ चंद कदम के फासले पर है। बंदे तो कोई नहीं है, वो सारे ताले लगा के भाग गए। हमने उनको पकड़ना नहीं था कि 10 कैफे हैं टोटल। अच्छा। और ये सब भागे हैं और सबके अंदर बेहतरीन गंदी फिल्में हैं। नहीं, लेकिन इसका कोई इमीडिएट हल बताए ना मुझे। अभी आप और हम चले जाएंगे, उसके बाद ये नेट कैफे दोबारा चलेंगे, वो जो इनके ग्राहक हैं वो भी आएंगे, वीडियोस का तकाजा भी करेंगे। आप भी समझते हैं कोई हल नहीं है। सर उनकी ज्यूरिसडिक्शन में एक चीज हो रही है, हमने रिकॉर्ड की है, वो खुद तशरीफ लाए ना। वो खुद चले, इस वक्त कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, इस वक्त कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। आप फरमा देना कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये जो नेट कैफे खुले हुए इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। सर सील तो हो सकते हैं ना, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। आप कहते हैं तो मैं रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ आपको कि इनके अंदर क्या हो रहा है। आपके यहाँ आने का क्या फायदा हुआ हमें? हमें तो ये काम फौरी तौर पकड़ लेते हैं, लेकिन फौरी तौर बंदा कोई है नहीं, इसको पकड़े इसको। क्या हम जब तक एसएचओ साहब के पास जाएं आपकी नफरी यहाँ मौजूद रहेगी? हम यहीं गए, हम एसएचओ साहब के पास से होकर आते हैं। चलें जी, आ जाएं। यहाँ पहुँचने वाले एहलकारों की बेबसी, खौफ या फिर शायद किसी भी और वजह के बाइस हमने बिलाखिर थाने जाने का फैसला किया। चंद कदम चलकर हम पुलिस स्टेशन में दाखिल हुए। एसएचओ साहब वहां तशरीफ फरमा नहीं थे, सो उन्हें फोन पर जहमत दी, मगर किसी भी कार्रवाई की बजाय उन्होंने हमें एक लंबी चौड़ी कार्रवाई करने को कहा। ड्यूटी पे हैं सर? अच्छा, वो हमने यहाँ कुछ नेट कैफेज हैं मून मार्केट के इस पे ऊपर वाले फ्लोर पे, आपके एहलकार भी हैं वहाँ पे, तो उनको सील करवाना है सर, उसका क्या प्रोसेस है? पुलिस का क्या काम है सर? पुलिस का काम तो ना, ये अमदार कैमर से हिसाब से बात कर रहे हैं। उनका नंबर देंगे आपको? 0308 77 77 77 254। कैश में ग्रामीण चौधरी मोहम्मद सरवर सर। जी सलाम अलैकुम जी, चौधरी सरवर साहब से बात हो रही है? सर मैं इकरारुल हसन अर्ज़ कर रहा हूँ, ARY न्यूज़ से प्रोग्राम करता हूँ सरेआम के नाम से। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा सर, गुजारिश ये है, हमने कुछ अभी ये इंटरनेट कैफ़ेज़ हैं आपके थाने के सामने जो है ना, अपना शमी पान वाला मून मार्केट उसके फर्स्ट फ्लोर पे कुछ 10-11 कैफ़ेज़ थे, तो हमने अपने बंदे भी वहाँ भेजे, वो रिकॉर्ड वगैरह भी किया कि काफ़ी उन्होंने गंदी मूवीज़ वगैरह रखी हुई थी। अभी आपके एहलकार भी वहाँ पर मौजूद हैं, तो सर उसके खिलाफ़ क्या कार्रवाई हो सकती है और क्या करेंगे सर आप? अच्छा, वो मैं बस आपके थाने पे हूँ, इसको देना है, मुझे बता दें। अच्छा, और उसके बाद क्या होगा सर? ठीक है, तो मैं ये इसकी रिकॉर्डिंग दे दूँ या इनको दिखा दूँ और एप्लीकेशन लिख के दे दूँ मॉरर साहब को सर? हाँ, लेकिन वो फिर ये है ना कि वो उसके लिए तो हमें दफ्तर से सीडी पे करवा के कन्वर्ट करवा के सुबह में भिजवा दूँगा। चलिए ठीक है सर, ठीक है थैंक यू। चलिए मैं उस सीडी लेके एप्लीकेशन लेके आ रहा हूँ। हुक्म मिला के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग की सीडी माँ एक दरखास्त के लेकर कल हाजिर हूँ, फिर शायद DC साहब जिनसी जराइम की इन आमाज गाहों को सील फरमावेंगे। हालांकि इंटरनेट कैफे, उनके खुले हुए सर्वर, उनमें मौजूद फोहश फिल्में, खिलाफ कानून बनाए जाने वाले केबन और सारे के सारे शवाहिद पुलिस के सामने मौजूद थे, और हमने थाने से वापस आकर भी उन्हें ये सब कुछ दिखाया, लेकिन कार्रवाई ना होना थी और ना हुई। वो कहते हैं जी सीडी आप ले आए, ऐसे सब कहते हैं। हाँ, अच्छा, फिर उसको सील करवाएंगे कल। हमने कहा जब घर दफ्तर जाते हैं, सीडी बनाते हैं, सीडी लाके दे देते हैं। मूवीज नहीं चल रही आपके यहाँ गंदी? मैं नहीं, मैं तो वैसे भाई मालिक हो ना, आप बैठे हुए थे ना यहाँ पे, पुलिस लेके जाती है पैसे? 500 1000 इतने डेली ले जाती है। क्या कैफे क्यों बंद कर रहे हैं? कौन बंद कर रहा है? दुनिया को बेवकूफ समझते हैं आप लोग यार, कर रहा हूं। लेकिन क्यों बात ही है यार, आपको बैन की बात करनी है ना, जिम्मेदारी है मेरी, इसे पहले इसे करना आप।
अगले रोज सरेआम की टीम ने दिन भर नेट कैफेज के नाम पर चलने वाले बदकारी के इन अड्डों के बारे में कुछ मजीद मालूमात हासिल करने की कोशिश की और शाम ढलते ही फैसल टाउन के इलाके में पहुंच गई। यहां वाके फ्लैट्स की मुख्तलिफ गलियों में 30 से जायद इंटरनेट कैफेज मौजूद हैं। इनमें से कुछ ही इंटरनेट कैफे हैं और बाकी के सब के सब इंटरटेनमेंट कैफे। हमने यहां भी पहले अपने नुमाइंदे को भेजा ताकि अंदर मौजूद माहौल और फोहश मवाद के शवाहिद हमारे पास पहले से मौजूद हों। और फिर अंदर मौजूद नुमाइंदे की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिलते ही सरेआम की टीम इन कैफेज में मौजूद थी। क्या कर रहे हैं? क्या कुछ नहीं, मूवीज नहीं चल रही आपके यहाँ? गंदी। कौन सी गंदी है? वो सब रिकॉर्ड हो गया। मैं मालिक नहीं हूँ। कौन है मालिक? बुलाएं, कॉल करें। मैं नहीं हूँ, मैं तो वैसे भाई मालिक कौन है? आप बैठे हुए थे ना यहाँ पे, आप जाएंगे नहीं यहाँ पे? पुलिस आएगी तो जाएंगे आप। छत से लगते हुए दरवाजे और अंदर चलती हुई फोहश फिल्में सारे का सारा हाल बयान कर रही थी। यहाँ भी गुनाहगार आंखों ने गुनाह के बहुत से मनाजिर देखे, मगर जाने दीजिए। ये लोग लगते हैं यार इंटरनेट यूज करने वाले, भत्ते के बगैर नहीं चल सकता ना। भत्ते के बगैर इस मुल्क में कुछ चल सकता है? पुलिस तो अगर नहीं जाता तो चल रहा है अभी, बता के नहीं। पुलिस लेके जाती पैसे? लेके जाती हर कैफे से? हर कैफे से। कितने पैसे? 500 1000 इतने दिल्ली ले जाती है। यहाँ तो माशाल्लाह 35-40 कैफे तो है ना तकरीबन। इनको उसको बताएं जरा, नेट कैफे जाना चाहिए बच्चों को? हाँ नहीं, इन नेट कैफे में तो बिल्कुल नहीं, दुनिया जहान में अच्छे तरीकों से इस्तेमाल होते हैं नेट कैफे। हमारी बदकिस्मती है कि हम अच्छी चीज को भी बुरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ भी काउंटर पर मौजूद शख्स मुलाजिम था, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसने अपने मालिक को बुला लिया और मालिक ने भी एक अच्छी बात की और इसी बायस हम इस शख्स का चेहरा छुपा रहे हैं। गलती मानना, गलती पर शर्मिंदा होना और फिर इस गलती की इस्लाह की कोशिश करना, इससे बड़ी बहादुरी और कोई नहीं है। आपका कैफे है? जी सर, पार्टनरशिप है सर। पार्टनरशिप है ना, आप भी ओनर हैं इसके? जी, जी, इसके अंदर ये जो मूवीज पड़ी हुई हैं आपके सिस्टम्स में, ये क्यों है सर? बस वो गलती कह रहे हैं या पता ही कर रहे हैं? लोग गलती कर रहे हैं भाईजान, गलती है वो अभी क्लियर हो जाएगा। कैफे से कई टेराबाइट्स फोश फिल्मों का डाटा डिलीट करवाकर जब हम बाहर निकले तो यहाँ की तो लंका ही ढह चुकी थी। आगे पीछे और दाएं बाएं मौजूद सभी इंटरनेट कैफेज बंद हो चुके थे और एक साहब तो ताला लगाकर भागने की कोशिश कर ही रहे थे कि हमने उन्हें जा लिया। भजन, आपने क्यों बंद कर दिया कैफे यार? सर जी, आप क्यों बंद कर रहे कैफे? मैंने नहीं किया, पर किधर से हुआ सर? खोले जाए से। बंदा अंदर ही है। शटर उठाने पर मालूम हुआ कि एक साहब इस कैफे के अंदर मौजूद हैं। वहां मौजूद इस माफिया के पुश्त पना बहाने बहाने से हमसे उलझने की कोशिश भी कर रहे थे। नहीं मैं तो नहीं। क्यों गुस्सा कर रहे हो? नहीं वैसे हो क्या? देखिए ना, मैं भी देखा, बंदा है अंदर। मैं नहीं देखा। कुछ शक है तुम्हें? तुम्हारा कैफे? नहीं। मुसीबत क्या दी है सर? मेरा नहीं है। तो फिर तुम क्यों बोल रहे हो यार? हमारे बुलाने पर पुलिस भी वहां आन पहुंची थी, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद इस शख्स ने दरवाजा नहीं खोला था। ये नेट कैफेज हैं और इनके अंदर पोर्न मूवीज चल रही हैं सब में। वो हमने रेड किया है, उन्होंने डिलीट कर दिया हमारे सामने, लेकिन ये बंदा बंद करके भाग रहा था, वो बंदा अंदर चला गया। पुलिस वाले ने जमानत ली कि ये कहीं नहीं जाता, आप चाहें तो दूसरी गली के इंटरनेट कैफे से हो आए। चलो एक बंदा ऐसे खिला दो, तुम सड़ना ला जाओ। आपका कैफे है? ये दोस्त का। अच्छा, तो यहाँ आपके पास भी है? नहीं नहीं, हमने नहीं रखा हुआ था। कोई ग्राहक आता आपके पास? कोई भी नहीं आता, सब खाली पड़े हुए। यानी जब जो पोर्न मूवीज नहीं रखता नहीं, वहाँ कोई इस्तेमाल करने? बिल्कुल कोई नहीं आता। बिल्कुल आते हैं, स्काइप यूजर आते हैं, फैमिलीज आती है यूज करने, जिनके घर वाले बाहर बैठे हुए हैं, किसी का मियाँ बाहर है, किसी के बच्चे बाहर हैं, वो यूज करते हैं, आके स्काइप यूज करते हैं। उसके बाद कितने कमा लेते होंगे यार इस कॉम को? ये कितने पैसे बना लेते होंगे महीने के? महीने का तकरीबन 2 लाख के करीब बन जाता है, 1.5 से 2 लाख। दूसरी गली में पहुंचे तो वहां कुछ कैफेज अब भी खुले थे और वो भी जहां से सरेआम की टीम का नुमाइंदा रिकॉर्डिंग करके जा चुका था। आपका कैफे? नहीं। किसका?
खड़े हो ना आप लोग, वहाँ खड़े? नहीं मेरा नहीं है, मैं क्या भाई वहाँ पे खड़े हो ना, नौकरी बुलाओ, मालिक कौन है? मालिक यहाँ पे नहीं है। किधर है? वो गए हुए हैं कहीं। ये शख्स भी खुद को मुलाजिम बता रहा था, वही फोहिश फिल्में, गंदे कमरा नुमा केबन, वही जिन्स परस्ताना माहौल। ये अजीब यहाँ सूरत हाल है, बाजार ये नेट कैफेज हैं, लेकिन यहाँ जितने नेट कैफेज हमने देखे हैं बाकायदा केबन्स, कमरों की तरह के केबन्स हैं, अंदर से चटखनियाँ भी मौजूद हैं। मैं नौकरी करता हूँ। चर्स बेचने वाले की नौकरी करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, हीरोइन बेचने वाले की नौकरी करेंगे तो कहेंगे मैं तो नौकरी करता हूँ, ये कहेंगे? सर जी और आप बैठे ना उस जगह पे जहाँ मालिक बैठता है, उसे फोन करके बुलाएं। मालिक है नहीं ना? आप मालिक हैं? पुलिस कहाँ है, कहाँ बंदा हो पकड़ाए बुलाएं। यहाँ से निकलकर सामने वाले कैफे में पहुंचे तो ये साहब भी भागने की तैयारी में मसरूफ थे। बंद क्यों कर रहे हैं कैफे? क्या कैफे क्यों बंद कर रहे हैं? कौन बंद कर रहे हैं? आप फिर रहे थे ना, मेरे सामने ऊपर किया यार, दुनिया को बेवकूफ समझते हैं आप लोग यार, इसके अंदर गंद चलाएं आपकी चीज है। एक मिनट, ये था बस, इसको भी करें। किधर है पुलिस वाले? आगे मोबाइल बुलाएं। कुछ ही देर में कान में एक आवाज पड़ी के SHO साहब आ गए हैं। हौसला हुआ कि चलें अब इन बदकारी के मराकज के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, मगर नहीं, कानून वाकई अंधा होता है। बुराई के खात्मे में हमारी मदद करने की बजाय उन्होंने माइक झटकना शुरू कर दिया। जरा गौर से मुलाहिजा कीजिए कि हमने कितने शायस्ता अंदाज में और अपनी हुदूद में रहते हुए उनसे गुफ्तगू का आगाज किया था। कैसे हैं आप सर? अच्छा सर, जितने नेट कैफेज हैं यहाँ पे सब में पॉर्न मूवीज चल रहा है, क्यों जनाब? भाई भाई पीछे प्रकार के बात कर रहे हैं, मैं इससे भी बात कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्यों बात कर रहे हैं? आपको बैठ बात करनी है ना, जिम्मेदारी है मेरी, इससे पहले पीछे करना। आप SHO साहब माइक क्यों झटक रहे हैं और हमें क्यों कह रहे हैं कि आप ठीक नहीं कर रहे? शायद हमसे कोई गुस्ताखी हुई हो। फिर से गौर फरमाइए, हमने उन्हें आखिर ऐसा क्या कहा? कैसे हैं आप सर? अच्छा सर, जितने नेट कैफेज हैं यहाँ पे सब में पॉर्न मूवीज चल रहा है, क्यों जनाब? भाई भाई पीछे प्रकार के बात क्यों पीछे करके बात करें? मैं तो बड़े अदब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक मिनट, क्यों बात कर रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी है ना, जिम्मेदारी है बेबी, इससे पहले पीछे करें ना आप। लेकिन उनकी इस खामखा की बदतमीजी के बाद एक आम शहरी होने के नाते मेरा खून खौल उठा कि बजाय इसके कि आप बुराई की इस जड़ को खत्म करें जिसके सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं, आप उल्टा मीडिया पर ही चढ़ाई कर रहे हैं। और फिर मैं उनसे ऐसे ही पेश आया जैसे हक और सच पर मौजूद एक शख्स को बुराई की पुष्ट पनाही करने वाले से पेश आना चाहिए, ऐसे ही जैसे टैक्स अदा करने वाले एक शहरी को एक बदउनवान और काहिल अफसर से बात करनी चाहिए। आपके इलाके में 20 इंटरनेट कैफेज में ब्लू मूवीज चल रही हैं, आप माइको हाथ लगा रहे हैं, हर चीज की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, अंदर की केबल्स की सब चीजों की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। पुलिस को साथ लेके जाओ भाई जान, मैंने पुलिस को कॉल किया, इनको कॉल किया, मैं आ गया हूँ। आप क्यों कह रहे हैं कि मैं आप आज बात नहीं करूंगा? आप मेरे मुलाजिम है, आप यहाँ खड़े हर शख्स के मुलाजिम है। कब लाजम हूँ मैं भी पब्लिक हूँ ना, मैं कबूतर हूँ। ये कौन लोग है? कौन लोग है सर? ये यूरोप से आए हैं, पता लेके जाते हैं यहाँ सब लोगों ने बताया। बता लेता यहाँ रिकॉर्डिंग पे सब बच्चों ने बताया, जो कैफे बजा ले सब ने बताया कि हर कैफे से भटा जाता है। बस फिल वक्त तो कार्रवाई शुरू करें ना सर, आए बिस्मिल्लाह। वो बंदा किधर है? उसे पकड़ो भाई, आप इनके नाम दें, इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। मैं जानता था कि वो इलाके का बेताज बादशाह है, चाहे तो उसी वक्त मुझे किसी भी जुर्म में लॉकअप कर सकता है, बाद में चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब आपको यकीन हो कि आप ठीक हैं, तो फिर नताइज से बेपरवाह होकर काम करना चाहिए, और मैंने ऐसा ही किया। आखिर में फिर सुन लीजिए कि SHO साहब के आने पर हमने कितने मुहज्जब अंदाज में उनसे गुफ्तगू का आगाज किया था और उनका रद्द अमल किया था। कैसे हैं आप सर? अच्छा सर, जितने नेट कैफेज हैं यहाँ पे सब में पॉर्न मूवीज चल रहा है, क्यों जनाब? भाई भाई पीछे प्रकार के बात कर रहे हैं, मैं इससे भी बात कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्यों बात कर रहे हैं? आपको बैठ बात करनी है, जिम्मेदारी है ना, जिम्मेदारी है मेरी, इससे पहले पीछे करना। सारे नेट क्लब में जितनी ब्लू फिल्म सर, ब्लू फिल्म्स नेट क्लब में चलती हैं और ये माशरा खराब कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ अपनी इनकम की खातर। अहले इलाका के दबाव और हमारे कायम रहने पर SHO साहब कार्रवाई करने पर आमादा हो ही गए, लेकिन कार्रवाई अब करते किसके खिलाफ? SHO साहब की हमसे मोहब्बत का फायदा उठाते हुए सब के सब मुजरिम वहाँ से फरार हो चुके थे। मुझे ख्याल आया कि पिछली गली में एक पुलिस वाले ने जमानत ली थी कि नेट कैफे में मौजूद शख्स
कहीं नहीं जाएगा। सो भागम भाग हम वहां पहुंचे। वहां ताला हमारा मुंह चिढ़ा रहा था और वो अहलकार अपना मुंह छुपा रहा था। फिर क्या था, SHO साहब ने मौका गनीमत जाना और नेट कैफे वालों की तरह वो भी मंजर से गायब हो गए। ये वो इंटरनेट कैफे था और जाहिर है इसकी रिकॉर्डिंग नाज़रीन देखेंगे। यहाँ खड़े होकर पुलिस अहलकार ने कहा था कि आप उस गली में चले जाएं, इस आदमी को हम भागने नहीं देंगे। वो रिकॉर्डिंग है, मैं बार बार चलाऊंगा। अब ये भाग चुके हैं और उस अहलकार का ये कहना था कि जनाब फड़ लेंगे, खैर है कि होया। और तो भाई जान, एक वो बंदा तो मैं बता के आया ना आपको, उधर ही आ जाए तो भाग गया ना। मैं तो उसे रोक रहा था, किधर ये बंदा आएंगे, टेंशन ना लो, किधर जाएगा, दुकान तो आ जाए, बिस्मिल्लाह आ जाए आ जाए। इन्हरा कहना सी अंदर है, सी सर क्या सी ना कि नहीं छटांगे, पर वो अंदर ही सी ना, तुसा सानू बंदा फड़ाया ते नहीं ना कि भाई यह बंदा है, रिकॉर्डिंग तुसी क्या सी ना, इथे रहेगा बंदा। अरबाब इख्तियार और नाजरीन से बस एक छोटा सा सवाल कि अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि तीन गलियों में वाकई 30 फोहश नेट कैफेज के बारे में सिर्फ 30 कदम पर मौजूद थाने का SHO क्या वाकई बेखबर हो सकता है? तो यहाँ कितनी मूवीज पड़ी हैं इस चीज में, मुझे नहीं पता यार। यार तुम बच्चे हो, हाँ पागल हो तुम, कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस ने, कम से कम चक्कर लगाना चाहिए था। आप क्या कहे, नहीं हो, नहीं है। आपका कैफे? जी मेरा कैफे, यहाँ फोश मूवीज चल रही है। हाँ तो फिर ये देखने के लिए कि क्या ये इंटरनेट कैफेज अब भी फुहाशी फैलाने का काम जारी रखे हुए हैं या फिर मोहतरम SHO के जमीर ने कोई काम किया है, हम अगले रोज फिर उसी इलाके में पहुंचे। हस्बे साबिक एक नुमाइंदे को एक और नेट कैफे में भेजा और यहाँ भी मेन सर्वर में फुहाशी का वही खजाना मौजूद था। और कमाल ये है कि ये साहब भी मुलाजिम थे। आप यहाँ मालिक हैं? नहीं, मैं तो जॉब कर रहा हूँ ना यहाँ पे। तो यहाँ कितनी मूवीज पड़ी हैं इसमें? हैं? कितनी मूवीज पड़ी हैं? इस चीज में मुझे नहीं पता यार। यार तुम बच्चे हो, हाँ पागल हो तुम, एक आदमी की जगह बैठे नहीं हो तुम, पैसे तुम ले रहे हो ना यहाँ से, जिस जो बंदा भी कस्टमर आ रहा है यहाँ पे, तुम जिम्मेदार हो कि नहीं हो यहाँ पे? ये एक और इंटरनेट कैफे है, गुज़श्ता रोज भी हम यहाँ आए थे इसी इलाके में, SHO साहब ने वादा किया था कि गिरफ्तारियां करेंगे, उस जगह भी लेके जाएंगे आपको। बस फिल वक्त तो कार्रवाई शुरू करें ना सर, आए बिस्मिल्लाह। वो बंदा किधर है? उसे पकड़ो भाई, आप इनका नाम दें, इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अब यहाँ भी अगर हम SHO साहब को बुलाएंगे तो SHO साहब कल की तरह यही उनसे पूछेंगे कि जनाब हाँ जी क्या बात है, कैमरा बंद करें, माइक साइड पर करें, तो उन SHO साहब को तो हम यहाँ जहमत नहीं दे रहे, वो आराम फरमाएं, वो जो काम कर रहे हैं वो करते रहें। यहाँ से निकलकर उन नेट कैफेज का रुख किया जहाँ गुज़श्ता रात रेड किया गया था, मगर क्या कहने कानून के, ये कैफे भी उसी शानो शौकत के साथ चल रहे थे बावजूद इसके कि मोहतरम SHO गुज़श्ता रोज खासे दावे करते हुए मंजर से गायब हुए थे। SHO साहब ने एक काम जरूर किया था और वो ये कि इन गंदी फिल्में दिखाने वालों को अच्छा खासा हौसला दे दिया था। कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस ने? बस चल रहे हैं, आपके सामने ही है। इस पुलिस का क्या कहना था? कम से कम चक्कर लगाना चाहिए था। आप क्या कहे, नहीं हो, नहीं आया, आया उसके बाद किसी ने चक्कर लगाया? हाँ जी बिल्कुल, कोई भी नहीं आया बिल्कुल। आपका कैफे? जी मेरा कैफे, यहाँ कुछ मूवीज चल रही हैं। हाँ तो फिर कल ये शटर गिरा के, हाँ, अंदर से लॉक करके आपका एक बंदा यहाँ अंदर क्या कर रहा था, एक चीज की रिकॉर्डिंग है ना। हाँ यहाँ सामने पुलिस वाले ने खड़े होकर कहा था ना कि बंदे यहाँ से जाएंगे नहीं, कल से कोई पुलिस वाला नहीं आया, मैं तो सिर्फ ये पूछना आया हूँ आपसे। बिल्कुल आए, SHO साहब खुद आए। इज्जत माब SHO इन मालिकान के बकौल रात तशरीफ भी लाए थे और इन्हें कहा था कि मीडिया वाले आए तो उनसे कहें कि पहले थाने में एंट्री करवाएं। वाह साहब, उधर हम एंट्री करवाएं और इधर ये कैफे, खैर हम कोई इल्ज़ाम नहीं लगाते, आप खुद मुलाहिजा कीजिए। इस कैफे का मालिक SHO की आशीर्वाद के बाद शेर बना फिर रहा था, ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी झलक रही थी। पोश फिल्में दिखाने वाला ये शख्स किसी फिल्मी हीरो की तरह कैमरे के सामने सिगरेट सुलगा रहा था। इसी ओवर कॉन्फिडेंस में हमें इस मालिक और SHO के आका और ग़ुलाम जैसे ताल्लुक का अंदाज़ा हुआ। वो हर बात पर फरमा रहे थे अभी SHO को यहाँ बुला लेते हैं। पुलिस की पुष्ट पनाही में पागल इस शख्स ने SHO को हाजिर होने का हुक्म देने के लिए फोन भी उठा लिया
मगर जैसे ही मैंने ये पूछा कि कमाल है आपकी एक कॉल पर किबला SHO दौड़े दौड़े चले आते हैं तो इस शख्स को होश आया। नहीं मैं देख लेता हूँ मेरे पास शायद उनका नंबर है या नहीं है। कैसे हो सकता है? नहीं नंबर नहीं है। नहीं मैंने कहा शायद मैंने उनसे रात को कहा था कि नंबर दे दें लेकिन उन्होंने नहीं दिया होगा रात जब वो राउंड पे आए। गंदा धंधा करने वाले शख्स ने फौरन पांसा पलटा के ओहो मेरे पास तो इनका नंबर ही नहीं। जरा सोच कर बताइए कि अगर आपके पास किसी का नंबर ना हो तो क्या इतने ही एतमाद से फोन मिलाने की कोशिश करेंगे? आज ये माफिया मुकम्मल तौर पर तैयार था। आन की आन में सभी कैफे मालिकान वहाँ इकट्ठे हो गए और इनकी एसोसिएशन के सरबराह भी। इन साहब के बारे में मुझे बहुत कुछ कहना है लेकिन नहीं कहूँगा। बस दुआ है कि खुदा हम सबको मुनाफ़क़त से महफूज रखे। जिस नाम निहाद एसोसिएशन के ये सरबराह हैं उसके कम से कम 5 पोश नेट कैफेज के अंदर की मुकम्मल रिकॉर्डिंग या उनके मालिकान का इकबाल जुर्म, एक एक फोल्डर खोलने की फुटेज, गैर कानूनी और गैर अखलाकी केबंस और माहौल हमारे सामने है। आप भी देखिए मगर ये साहब हर तरह से सिरे से इनकारी हैं। आपको को हमारे बारे में किसी कारोबार के बारे में इन बच्चों को शिकायत है आप हमारे ऑफिस में तशरीफ लाएं हमसे सवाल जवाब करें। एक लंबी चौड़ी तकरीर के जवाब में हमने मुख्तसरन इन साहब को मोबाइल फोन की वो रिकॉर्डिंग दिखाना शुरू की जिसमें उनके जेर असर नेट कैफेज का गंद उछल उछल कर बाहर आ रहा था। इसके ऊपर जो पड़े हुए फोल्डर या वेबसाइट के फोल्डर नहीं है या आपके सिस्टम के फोल्डर है? सिस्टम्स के अंदर पड़ी हुई चीजें हमने कल रिकॉर्ड किया था कैमरों के साथ भी रिकॉर्ड किया। मैं 10 इंटरनेट कैफे के अंदर गया हूं 10 के 10 सब के अंदर अभी 5 मिनट पहले हम इंटरनेट कैफे में गए वहां भी रिकॉर्डिंग है। जैसे जैसे ये गंद बाहर आ रहा था वैसे वैसे इन साहब का नाम निहाद अखलाकियात का दर्स जेरे जमीन जा रहा था। मजबूरन जान छुड़वाने के लिए अपने तई हमें कार्रवाई का यकीन दिलाया मगर साहब मामला लाखों का है कौन चाहेगा कि एक 2% के मीडिया वाले के कहने पर इस सारी बंदर बांट को खत्म कर दिया जाए। लेकिन मोहतरम खादिमे आला अगर ये बंदर बांट खत्म ना हुई तो मुआशरे से और बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। हो सके तो इसे बचा लीजिए। प्रोग्राम के आखिर में अरबाब इख्तियार और अपने नाज़रीन से एक छोटा सा सवाल कि जब इस शहर का बच्चा इस घिनौने फेल से वाकिफ है कि यहाँ के हर इलाके में इस तरह के फहाशी फैलाने वाले दर्जनों इंटरनेट कैफेज मौजूद हैं तो फिर मुतल्लिका SHOs और इंटरनेट कैफे की एसोसिएशन के सरबराहान इस बात से बेखबर किस तरह से हो सकते हैं और अगर ये लोग मुनाफ़क़त और झूठ का सहारा लेते हुए इस मुल्क की नई नस्ल में ये हैजान बरपा कर रहे हैं तो फिर इन सब के खिलाफ कार्रवाई करना अरबाब इख्तियार की जिम्मेदारी है। यूथ फेस्टिवल्स का इनेकाद जरूर कीजिए लेकिन उससे पहले इस मुल्क की यूथ को एक बेहतर और साफ सुथरा माहौल तो फराहम करें यह इनका हक है और आपका बुनियादी फर्ज। सबसे पहले लाहौर की मसरूफ और मारूफ मून मार्केट पहुंचे। इस बारौनक बाजार में वाकई एक ताजे की पहली मंजिल पर 12 इंटरनेट कैफेज एक ही रॉ में मौजूद हैं और सब के सब इसी बेहुदा काम में मुलव्विस। हमने पहले अपने नुमाइंदे को एक कस्टमर बनाकर वहां भेजा ताकि इन फोहश फिल्मों की वहां मौजूदगी के शवाहिद रिकॉर्ड किए जा सकें क्योंकि हमारे डायरेक्ट वहां पहुंचने पर तो नेट कैफे का मालिक कोई एक बटन दबाकर इन फोल्डर्स को हाइड कर सकता था। सरयाम की टीम के नुमाइंदे ने दो मुख्तलिफ इंटरनेट कैफेज में जाकर मेन सर्वर में मौजूद इन फोहश फिल्मों को खोलने के तमाम मराहिल रिकॉर्ड किए ताकि सनद रहे। वाज़े रहे कि पाकिस्तान में बहुत सी फोहश वेबसाइट्स PTA ने ब्लॉक कर रखी हैं। इसके बावजूद अगर कोई भी ऐसा मवाद डाउनलोड करता है या देखता है तो वो अपने फेल का खुद जिम्मेदार है लेकिन यूं हजारों फिल्में सिस्टम में रख कर कमरे बनाकर दावत गुनाह देना ये है असल काबिले एतराज बात और फिर इससे बढ़ने वाली जिंसी बेराहरवी ये थी सरयाम के लिए असल तश्वीश की बात।
मार्केट के इन कैफेज की गंदी हकीकत रिकॉर्ड हो जाने के बाद सरेआम की टीम इन नाम निहाद इंटरनेट कैफेज में पहुंच गई। तय ये हुआ था कि एक कैमरा डायरेक्ट उस केबिन में जाएगा जहां सरेआम का नुमाइंदा मौजूद है, ताकि वहां इन फाइल्स की मौजूदगी इस कैमरे पर भी रिकॉर्ड की जा सके, और एक कैमरा काउंटर पर मेरे साथ मौजूद रहेगा। लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचे, काउंटर पर मौजूद शख्स ने हमारी आंखों के सामने एक बटन ऑफ कर दिया और यकायक इस कैफे में मौजूद सारे कंप्यूटर्स बंद हो गए। क्या बंद किया? नेट कैफे में क्या दिखा रहे हैं आप? नेट कैफे में क्या दिखा रहे हैं आप? ठीक है ठीक है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है ना मोबाइल की। क्या दिखा रहे हैं? बुलाओ बुलाओ। ये शख्स खुद को यहाँ का मुलाजिम बता रहा था, और मजे की बात यह है कि प्रोग्राम में हम जितने भी इंटरनेट कैफेज में गए, वहाँ काउंटर पर मौजूद हर शख्स ने खुद को मुलाजिम ही बताया। सब में फिल्में दिखा रहे हैं भाई। नेट कैफे क्या होता है? नेट कैफे में गंदी फिल्में दिखाते हैं, गंदी फिल्में, यूट्यूब वगैरह सब कुछ खोला। और भाईजान, आपने जो सेव करके रखी हुई, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, यूट्यूब की बात ही नहीं कर रहा। यूट्यूब तो वैसे ब्लॉग है, यूट्यूब कैसे खोला हुआ है? जरा ये भी शूट करें, जरा रहमान मलिक साहब को भी तो दिखाए ना। बंद क्यों किया सिस्टम? यहाँ से सिस्टम क्यों बंद किए? और भाई, आपने सिस्टम बंद किया ना, तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। मालिक से मैं क्या पूछूंगा कि सिस्टम इसने क्यों बंद किए, वो क्या बताएंगे? यार ये अच्छा है, कॉल करें 15 पे कॉल करें। हम इस आदमी से सच उगलवाने की कोशिश कर रहे थे कि इसी दौरान बाकी के 11 इंटरनेट कैफेज वालों ने अपने कैफे बंद करके वहां से भागना शुरू कर दिया। कुछ तो इस कदर बुखला गए कि वो अपने कैफे खुले छोड़कर वहां से फरार हो गए। ये भी भाग गए। किधर गए मालिक भाई? ताला क्यों लगा रहे हो? ताला क्यों लगा रहे हैं? इसको पकड़ लें, इसको तो पकड़ाए ना भाई। मैं मुलाजिम हूँ। हाँ तो मुलाजिम है, तो आपने सिस्टम बंद किया ना मेरे सामने, तो मेरे भाई। ये जरा इन सबकी बनाए जो जा रहे हैं यहाँ से, सबकी बनाए। यहाँ ये वजाहत इंतहाई जरूरी है कि इन केबन्स में इन गुनाहगार आंखों ने और कैमरे की आंख ने ना चाहते हुए भी ऐसे ऐसे मनाजिर देखे के शर्म के मारे हमारे सर झुक गए। अगेन, फिर जो जो कुछ हम यहाँ देख रहे हैं वो नहीं दिखा सकते। अब ये भाग चुके हैं। लेकिन यहाँ ये फिल्में देखने वालों और देखने वालियों को हम यकसर एडिट कर रहे हैं। कितने? 5, 6, 7। ये भी भाग गए। ये सारे क्यों भाग गए हैं? एक मिनट, ये क्यों भाग गए हैं ये बताओ? क्यों भाग गए हैं? मेरी बात सुनो, नौकरी के पीछे, मेरी नौकरी जानना है, यही होगा। अच्छा, यहाँ हर कैफे में गंदी फिल्में हैं? इंटरनेट पे है। यहाँ हर कैफे में गंदी फिल्में? किसी एक मालिक का है या सब अलग अलग हैं? अलग अलग है। आपके मालिक कहाँ हैं? मेरे मालिक घर गए हैं। ये एक इंतहाई अजीब सूरत हाल थी। हमने 15 पर पुलिस की मदद चाही और कुछ ही मिनट्स में पुलिस वहां पर मौजूद थी, क्योंकि थाना यहां से सिर्फ चंद कदम के फासले पर है। बंदे तो कोई नहीं है, वो सारे ताले लगा के भाग गए हैं। जाहिर हमने उनको पकड़ना नहीं था कि 10 कैफे हैं टोटल। अच्छा। और ये सब भाग गए हैं, और सबके अंदर बेहतरीन गंदी फिल्में हैं। नहीं, लेकिन इसका कोई इमीडिएट हल बताएं ना मुझे। अभी आप और हम चले जाएंगे, उसके बाद ये नेट कैफे दोबारा चलेंगे, वो जो इनके ग्राहक हैं वो भी आएंगे, वीडियोस का तकाजा भी करेंगे। आप भी समझते हैं, कोई हल नहीं है। सर, उनकी ज्यूरिसडिक्शन में एक चीज हो रही है, हमने रिकॉर्ड की है, वो खुद तशरीफ ले आए ना। वो खुद तशरीफ। मालिक होना, आप बैठे हुए थे ना यहाँ पे, आप जाएंगे नहीं यहाँ पे? पुलिस आएगी तो जाएंगे आप? इनको इसको बताएं जरा,
नेट कैफे जाना चाहिए बच्चों को। दुनिया जहान में अच्छे तरीकों से इस्तेमाल होते हैं नेट कैफे, हमारी बदकिस्मती है कि हम अच्छी चीज को भी बुरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बंदा अंदर ही है। कितने पैसे बना लेते होंगे महीने के? महीने का तकरीबन 2 लाख के करीब बन जाता है। अच्छा जितने नेट कैफे हैं यहाँ पे, आप मेरे मुलाजिम है, आप यहाँ खड़े हर शख्स के मुलाजिम है। कब लाजिम हूँ मैं भी पब्लिक हूँ ना, मैं कबूतर हूँ। ये कौन लोग हैं? किस आए हैं? भत्ता लेके जाते हैं यहाँ सब लोगों ने बताया। वैसे बता लेता है पुलिस लेके जाती पैसे 500 1000 इतने दिल्ली ले जाती है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूं इकरार। 2001 में इस मुल्क में इंटरनेट कैफेज का एक बदतरीन, खौफनाक और शर्मनाक स्कैंडल मंजरेआम पर आया था और इस स्कैंडल के सामने आने के बाद इस स्कैंडल की वीडियो में मौजूद बहुत सी लड़कियों ने खुदकुशी कर ली थी और बहुत से खानदान तबाह बर्बाद होकर रह गए थे। आज इस शहर यानी शहर लाहौर में ऐसे हजारों स्कैंडल्स यहाँ के इंटरनेट कैफेज में पनप रहे हैं और आज हम आपको उन इंटरनेट कैफेज में लेकर जाएंगे, इस खौफनाक माफिया के मुंह से नकाब नोच कर उतारेंगे और साथ ही साथ यहाँ के कानून का भी एक ऐसा भयानक रूप आपके सामने आएगा कि किस तरह से ये लोग इस शर्मनाक माफिया की बेखकनी की बजाय मुसलसल इसकी पुश्त पनाही में मसरूफ हैं। लाहौर शहर के तकरीबन हर इलाके में इंटरनेट कैफेज का एक ऐसा जाल और माफिया परवरिश पा रहा है जो नई नस्ल को हैजान और जिंसी जराइम की जानिब धकेलता चला जा रहा है और ये सब कुछ हो रहा है पुलिस की नाक के ऐन नीचे बल्कि पुलिस के तावुन से। आपको ये जानकर हैरत होगी कि आज तक तो सरेआम की टीम को काम करने और बुराइयों को बेनकाब करने से मुजरिम और गुंडे रोकते रहे, लेकिन आज के इस प्रोग्राम में मुजरिमों और गुंडों का ये काम लाहौर पुलिस के एक SHO साहब ने अंजाम दिया है। भाई इसे प्रकार की बात कर जिम्मेदारी है मेरी, इसे पहले इसे करना आप। सरेआम की टीम ने जब जिंसी जराइम की आमाजगाह और हजारों के हिसाब से फोश फिल्में दिखाने वाले इंटरनेट कैफेज को बेनकाब किया तो एक इलाके के SHO ने मदद करने की बजाय बाकायदा बजोरे बाजू सरेआम की टीम को काम करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन सरेआम की टीम के डट जाने और अहले इलाका के दबाव पर उन्हें पीछे हटना पड़ा, लेकिन फुहाशी के इन मराकज के खिलाफ फिर भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हमें एहसास है कि आज का ये मौजू जरा बोल्ड यानी बेबाक है, मगर यकीन जानिए हमारे घर के हर फर्द और खास तौर पर बच्चों का इस घिनौने खेल से वाकिफ होना इंतहाई जरूरी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सैकड़ों के हिसाब से मौजूद इन मखसूस तर्स के नेट कैफेज में कमरों की तरह के केबन बने हुए हैं और इन्हें अंदर से बंद करने के लिए बाकायदा चिटखनियां भी लगाई गई हैं। कमरों की तरह के इन केबन्स में मौजूद कंप्यूटर्स एक ऐसे सर्वर से मुंसलिक होते हैं जिनमें हजारों की तादाद में फोहश फिल्में मौजूद होती हैं। नौजवान, बच्चे और अक्सर जोड़े इन केबन्स में आकर बिला खौफ इन फिल्मों को देखते हैं और फिर यहीं की फ्रस्ट्रेशन और हैजान मुआशरे में जिंसी जराइम को फरोग देता है और कुछ सूरतों में तो कपल्स यानी जोड़े इन्हीं केबन्स में गैर अखलाकी हरकत का इर्तिकाब भी करते हैं। ऐसा ही एक जानलेवा स्कैंडल 2001 में मंजरेआम पर आया था जब एक इंटरनेट कैफे के मालिक ने ऐसे ही कमरों की तरह के केबन बनाकर फोहश फिल्में दिखाना शुरू की और फिर वहां खुफिया कैमरे नस्ब कर दिए। लड़के और लड़कियां यहां बेखुद होकर गैर अखलाकी हरकत के मुर्तकिब होते और फिर एक दिन इस इंटरनेट कैफे में मौजूद खुफिया कैमरों की रिकॉर्डिंग मंजरेआम पर आ गई या शायद लाई गई, क्योंकि इब्तदाई तौर पर तो इस इंटरनेट कैफे के मालिक ने इन लड़के और लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू किया और एक तवील अरसे तक वो ऐसा करता रहा और फिर इस रिकॉर्डिंग को लाखों रुपए के इवज फरोख्त कर दिया। आन की आन में इंटरनेट कैफे की ये रिकॉर्डिंग मुल्क के हर कोने में मौजूद थी। इस बदतरीन स्कैंडल के मंजरेआम पर आने के बाद इस वीडियो में मौजूद बहुत सी लड़कियों ने खुदकुशी कर ली और इस तरह खानदान के खानदान उजड़ कर रह गए। लाहौर में ऐसे बहुत से सानहे पनप रहे हैं। इससे पहले इंटरनेट कैफेज का ये गोरख धंधा और लोगों की जान ले या यहाँ से फ्रस्ट्रेशन के साथ निकलने वाले लोग
جنسی جرائم کا ارتکاب کریں، سرعام کی ٹیم نے ان کیفیز کے بخیے ادھیڑنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں تو ماشاءاللہ 35-40 کیفے تو ہیں نا تقریباً، ان کو اس کو بتائیں ذرا نیٹ کیفے جانا چاہیے بچوں کو۔ ہاں جی ان نیٹ کیفے میں تو بالکل نہیں، دنیا جہان میں اچھے طریقوں سے استعمال ہوتے ہیں نیٹ کیفے، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اچھی چیز کو بھی برے طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں بھی کاؤنٹر پر موجود شخص ملازم تھا، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس نے اپنے مالک کو بلا لیا اور مالک نے بھی ایک اچھی بات کی، اور اسی باعث ہم اس شخص کا چہرہ چھپا رہے ہیں۔ غلطی ماننا، غلطی پر شرمندہ ہونا اور پھر اس غلطی کی اصلاح کی کوشش کرنا، اس سے بڑی بہادری اور کوئی نہیں ہے۔ آپ کا کیفے ہے؟ جی سر پارٹنرشپ ہے۔ سر پارٹنرشپ ہے نا، آپ بھی اونر ہیں اس کے؟ اس کے اندر یہ جو موویز پڑی ہوئی ہیں آپ کے سسٹمز میں، یہ کیوں ہے سر؟ بس وہ غلطی کہہ لیں یا کوتاہی کہہ لیں، سب لوگ غلطی کر رہے ہیں بھائی جان، غلطی ہے وہ ابھی کلیئر ہو جائے گا۔ کیفے سے کئی ٹیرا بائٹس فوش فلموں کا ڈیٹا ڈیلیٹ کروا کر جب ہم باہر نکلے تو یہاں کی تو لنکا ہی ڈھہ چکی تھی۔ آگے پیچھے اور دائیں بائیں موجود سبھی انٹرنیٹ کیفیز بند ہو چکے تھے، اور ایک صاحب تو تالا لگا کر بھاگنے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ ہم نے انہیں جا لیا۔ بھائی جان آپ نے کیوں بند کر دیا کیفے یار؟ سر جی آپ کیوں بند کر رہے ہیں کیفے؟ میں نے نہیں کہا۔ پر کدھر سے ہوا ہے سر؟ کھولے جائے سے بندہ اندر ہی ہے۔ شٹر اٹھانے پر معلوم ہوا کہ ایک صاحب اس کیفے کے اندر موجود ہیں۔ وہاں موجود اس مافیا کے پشت پناہ بہانے بہانے سے ہم سے الجھنے کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ تو یہ تو دیو نہیں، میں تو نہیں کیوں گفتگو کر رہے ہو؟ نہیں ویسے کہہ رہا ہوں، دیکھا نا میں بھی دیکھا، بندہ ہے اندر۔ میں نہیں دیکھا۔ تو شک ہے تنوں پر تہاڈا کیفے نہیں؟ مصیبت کا دی ہے سر، میرا نہیں ہے۔ تو پھر تسی کیوں بول رہے ہو یار؟ ہمارے بلانے پر پولیس بھی وہاں آن پہنچی تھی، لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود اس شخص نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ یہ نیٹ کیفیز ہیں اور ان کے اندر پورن موویز چل رہی ہیں سب میں، وہ ہم نے ریڈ کیا ہے، انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا ہمارے سامنے، لیکن یہ بندہ بند کر کے بھاگ رہا تھا، وہ بندہ اندر چلا گیا۔ پولیس والے نے ضمانت لی کہ یہ کہیں نہیں جاتا، آپ چاہیں تو دوسری گلی کے انٹرنیٹ کیفے سے ہو آئیں۔ چلو ایک بندہ ایسے کھلا دوں، تم سڑنا لا جاؤ۔ آپ کا کیفے ہے؟ یہ دوست کا۔ اچھا تو یہاں آپ کے پاس بھی ہے؟ نہیں نہیں ہم نے نہیں رکھا ہوا۔ تو یہاں لوگ آ جاتے ہیں آپ کے پاس؟ کوئی بھی نہیں آتا، سب خالی پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی جب جو پورن موویز نہیں رکھتا نہیں وہاں کوئی استعمال کرنے؟ بالکل کوئی نہیں آتا۔ بالکل آتے ہیں، آتے ہیں اسکائپ یوزر، آتے ہیں فیملیز آتی ہیں یوز کرنے، جن کے گھر والے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا میاں باہر ہے، کسی کے بچے باہر ہیں، وہ یوز کرتے ہیں، آ کے اسکائپ یوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد کتنے کما لیتے ہوں گے یار اس قوم کو؟ یہ کتنے پیسے بنا لیتے ہوں گے مہینے کے؟ مہینے کا تقریباً 2 لاکھ کے قریب بن جاتا ہے، 1.5 سے 2 لاکھ۔ دوسری گلی میں پہنچے تو وہاں کچھ کیفیز اب بھی کھلے تھے، اور وہ بھی جہاں سے سرعام کی ٹیم کا نمائندہ ریکارڈنگ کر کے جا چکا تھا۔ آپ کا کیفے؟ نہیں۔ کس کا ہے؟ کھڑے ہو نا آپ، وہاں کھڑے؟ نہیں میرا نہیں ہے۔ کس کا بھائی؟ وہاں پہ کھڑے ہو نا، نوکری بلاؤ۔ مالک کون ہے؟ مالک یہاں پہ نہیں ہے۔ کدھر ہے؟ وہ گئے ہوئے ہیں۔ یہ شخص بھی خود کو ملازم بتا رہا تھا، وہی فوہش فلمیں، گندے کمرہ نما کیبن، وہی جنس پرستانہ ماحول۔ یہ عجیب یہاں صورتحال ہے، بظاہر یہ نیٹ کیفیز ہیں، لیکن یہاں جتنے نیٹ کیفیز ہم نے دیکھے ہیں ان میں باقاعدہ کیبنز، کمروں کی طرح کے کیبنز ہیں، اندر سے چٹخنیاں بھی موجود ہیں۔ میں نوکری کرتا ہوں۔ چرس بیچنے والے کی نوکری کریں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے؟ ہیرون بیچنے والے کی نوکری کریں گے تو کہیں گے میں تو نوکری کرتا ہوں، یہ کہیں گے؟ سر جی اور آپ بیٹھے ہیں نا اس جگہ پہ جہاں مالک بیٹھتا ہے، اسے فون کر کے بلائیں۔ آپ مالک ہے نہیں نا؟ آپ مالک ہیں، پولیس کہاں ہے؟ کہاں بندہ ہو؟ پکڑائیں، بلائیں۔ یہاں سے نکل کر سامنے والے کیفے میں پہنچے تو یہ صاحب بھی بھاگنے کی تیاری میں مصروف تھے۔ بند کیوں کر رہے ہیں کیفے؟ کیا کیفے کیوں بند کر رہے ہیں؟ کون بند کر رہے ہیں؟ آپ کر رہے تھے نا ابھی میرے سامنے اوپر کیا یار، دنیا کو بیوقوف سمجھتے ہیں آپ لوگ یار، اس کے اندر گند چلائیں آپ کی چیز ہے۔ ایک منٹ، یہ تھا بس، اس کو بھی کریں۔ کدھر ہے پولیس والے؟ آگے موبائل بلائیں۔ کچھ ہی دیر میں کان میں ایک آواز پڑی کہ ایس ایچ او صاحب آ گئے ہیں۔ حوصلہ ہوا کہ چلیں اب ان بدکاری کے مراکز کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی، مگر نہیں، قانون واقعی اندھا ہوتا ہے۔ برائی کے خاتمے میں ہماری مدد کرنے کی بجائے انہوں نے مائک جھٹکنا شروع کر دیا۔
ذرا غور سے ملاحظہ کیجئے کہ ہم نے کتنے شائستہ انداز میں اور اپنی حدود میں رہتے ہوئے ان سے گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ کیسے ہیں آپ سر؟ اچھا سر، جتنے نیٹ کیفیز ہیں یہاں پہ سب میں پون موویز چل رہا ہے۔ کیوں جناب؟ بھائی بھائی پیچھے پکڑ کے بات کرو، میں اس سے نہیں بات کر رہا، رف سے ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ لیکن کیوں بات نہیں کر رہے آپ؟ کوئی بہن بات کر رہی ہے نا، ذمہ داری ہے میری، اس سے پہلے پیچھے کرنا۔ ایس ایچ او صاحب مائک کیوں جھٹک رہے ہیں اور ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے؟ شاید ہم سے کوئی گستاخی ہوئی ہو۔ پھر سے غور فرمائیے، ہم نے انہیں آخر ایسا کیا کہا؟ کیسے ہیں آپ سر؟ اچھا سر، جتنے نیٹ کیفیز ہیں یہاں پہ سب میں پون موویز چل رہا ہے۔ کیوں جناب؟ بھائی بھائی پیچھے پکڑ کے بات کر رہے ہیں، کیوں پیچھے کر کے بات کر رہے ہیں؟ میں تو بڑے ادب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، ایک منٹ، کیوں بات نہیں کر رہے ہیں آپ؟ کی ذمہ داری ہے نا، ذمہ داری ہے میری، اس سے پہلے پیچھے کرنا۔ لیکن ان کی اس خام خواہ کی بدتمیزی کے بعد ایک عام شہری ہونے کے ناطے میرا خون کھول اٹھا کہ بجائے اس کے کہ آپ برائی کی اس جڑ کو ختم کریں جس کے سارے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں، آپ الٹا میڈیا پر ہی چڑھائی کر رہے ہیں۔ اور پھر میں ان سے ایسے ہی پیش آیا جیسے حق اور سچ پر موجود ایک شخص کو برائی کی پشت پناہی کرنے والے سے پیش آنا چاہیے، ایسے ہی جیسے ٹیکس ادا کرنے والے ایک شہری کو ایک بدعنوان اور کاہل افسر سے بات کرنی چاہیے۔ آپ کے علاقے میں 20 انٹرنیٹ کیفیز میں بلو موویز چل رہی ہیں، آپ مائکو ہاتھ لگا رہے ہیں، ہر چیز کی ریکارڈنگ ہے میرے پاس، اندر کی کیبنز کی سب چیزوں کی ریکارڈنگ ہے میرے پاس۔ پولیس کو ساتھ لے کے جاؤ بھائی جان، میں نے پولیس کو کال کیا، ان کو کال کیا، میں آ گیا ہوں۔ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں آپ بارش بات نہیں کر رہا؟ آپ میرے ملازم ہیں، آپ یہاں کھڑے ہر شخص کے ملازم ہیں۔ کب ملازم ہوں میں؟ بھی پبلک ہوں نا، میں کبوتر ہوں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کون لوگ ہیں سر؟ یہ یورپ سے آئے ہیں، پتہ لے کے جاتے ہیں یہاں، سب لوگوں نے بتایا۔ کون لوگوں سے بتا لیتا ہے؟ یہاں ریکارڈنگ پہ سب بچوں نے بتایا، جو کیفے والے ہیں سب نے بتایا کہ ہر کیفے سے بتا جاتا ہے۔ بس فی الوقت تو کاروائی شروع کریں نا سر، آئیں بسم اللہ۔ وہ بندہ کدھر ہے؟ اسے پکڑو بھائی، آپ ان کا نام دیں، ان کے خلاف کاروائی کرتے ہیں۔ جانتا تھا کہ وہ علاقے کا بے تاج بادشاہ ہے، چاہے تو اسی وقت مجھے کسی بھی جرم میں لاک اپ کر سکتا ہے، بعد میں چاہے کچھ بھی ہو، لیکن جب آپ کو یقین ہو کہ آپ ٹھیک ہیں تو پھر نتائج سے بے پرواہ ہو کر کام کرنا چاہیے، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ آخر میں پھر سن لیجئے کہ ایس ایچ او صاحب کے آنے پر ہم نے کتنے مہذب انداز میں ان سے گفتگو کا آغاز کیا تھا اور ان کا رد عمل کیا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ جتنے نیٹ کیفیز ہیں یہاں پہ سب میں پون موویز چل رہا ہے۔ کیوں جناب؟ بھائی بھائی پیچھے پکڑ کے بات کر رہے ہیں، میں اس سے نہیں بات کر رہا، میں رف سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، لیکن کیوں بات نہیں کر رہے ہیں آپ؟ کوئی بہن بات کر رہی ہے نا، ذمہ داری ہے میری، اس سے پہلے پیچھے کرنا۔ سارے نیٹ کلب میں جتنی بلو فلم سر، بلو فلمز نیٹ کلب میں چلتی ہیں اور یہ معاشرہ خراب کر رہے ہیں یہاں پر صرف اپنی انکم کی خاطر۔ اہل علاقہ کے دباؤ اور ہمارے قائم رہنے پر ایس ایچ او صاحب کارروائی کرنے پر آمادہ ہو ہی گئے، لیکن کارروائی اب کرتے کس کے خلاف؟ ایس ایچ او صاحب کی ہم سے محبت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سب کے سب مجرم وہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ مجھے خیال آیا کہ پچھلی گلی میں ایک پولیس والے نے ضمانت لی تھی کہ نیٹ کیفے میں موجود شخص کہیں نہیں جائے گا، سو بھاگم بھاگ ہم وہاں پہنچے۔ وہاں تالا ہمارا منہ چڑا رہا تھا اور وہ اہلکار اپنا منہ چھپا رہا تھا۔ پھر کیا تھا، ایس ایچ او صاحب نے موقع غنیمت جانا اور نیٹ کیفے والوں کی طرح وہ بھی منظر سے غائب ہو گئے۔ یہ وہ انٹرنیٹ کیفے تھا اور ظاہر ہے اس کی ریکارڈنگ ناظرین دیکھیں گے۔ یہاں کھڑے ہو کے پولیس اہلکار نے کہا تھا کہ آپ اس گلی میں چلے جائیں، اس آدمی کو ہم بھاگنے نہیں دیں گے۔ وہ ریکارڈنگ ہے، میں بار بار چلاؤں گا۔ اب یہ بھاگ چکے ہیں اور اس اہلکار کا یہ کہنا تھا کہ جناب پھڑ لیں گے، خیر ہے کی ہوا۔ اور تو بھائی جان، ایک وہ بندہ تو میں بتا کے آیا ہوں آپ کو، ادھر ہی آ جائے، تو بھاگ گیا نا، میں تو اسے روک رہا تھا۔ کدھر یہ بندہ؟ ارباب اختیار اور ناظرین سے بس ایک چھوٹا سا سوال کہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ تین گلیوں میں واقع 30 فحش نیٹ کیفیز کے بارے میں صرف 30 قدم پر موجود تھانے کا ایس ایچ او کیا واقعی بے خبر ہو سکتا ہے؟ تو یہاں کتنی موویز پڑی ہیں اس چیز میں؟ مجھے نہیں پتا یار، تم بچے ہو، پاگل ہو تم؟
कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस ने? कम से कम चक्कर लगाना चाहिए था। आप क्या कहें? नहीं हो, नहीं हो। आपका कैफे? जी मेरा कैफे। यहाँ फोर्स मूवीज चल रही है। हाँ तो फिर ये देखने के लिए कि क्या ये इंटरनेट कैफेज अब भी फुहाशी फैलाने का काम जारी रखे हुए हैं या फिर मोहतरम SHO के जमीर ने कोई काम किया है, हम अगले रोज फिर उसी इलाके में पहुंचे। हस्बे साबिक एक नुमाइंदे को एक और नेट कैफे में भेजा और यहां भी मेन सर्वर में फुहाशी का वही खजाना मौजूद था। और कमाल ये है कि ये साहब भी मुलाजिम थे। आप यहाँ मालिक हैं? नहीं, मैं तो जॉब कर रहा हूँ ना यहाँ पे। तो यहाँ कितनी मूवीज पड़ी हैं? कितनी मूवीज पड़ी हैं? इस चीज में मुझे नहीं पता यार। यार तुम बच्चे हो? हाँ? पागल हो तुम? एक आदमी की जगह बैठे नहीं हो तुम? पैसे तुम ले रहे हो ना यहाँ से, जो बंदा भी कस्टमर आ रहा है यहाँ पे, तुम जिम्मेदार हो कि नहीं हो यहाँ पे? ये एक और इंटरनेट कैफे है। गुज़श्ता रोज भी हम यहाँ आए थे इसी इलाके में, SHO साहब ने वादा किया था कि गिरफ्तारियां करेंगे, उस जगह भी लेके जाएंगे आपको। बस फिल वक्त तो कार्रवाई शुरू करें ना सर। आए बिस्मिल्लाह। वो बंदा किधर है? उसे पकड़ो भाई। आप इनका नाम दें, इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अब यहाँ भी अगर हम SHO साहब को बुलाएंगे तो SHO साहब कल की तरह यही उनसे पूछेंगे कि जनाब हाँ जी क्या बात है, कैमरा बंद करें, माइक साइड पे करें। तो उन SHO साहब को तो हम यहाँ जहमत नहीं दे रहे, वो आराम फरमाएं, वो जो काम कर रहे हैं वो करते रहें। यहाँ से निकलकर उन नेट कैफेज का रुख किया जहाँ गुज़श्ता रात रेड किया गया था। मगर चलें, इस वक्त कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, इस वक्त कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। आप फरमा देना कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये जो नेट कैफेज खुले हुए इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती सर? सील तो हो सकते हैं ना? सील मेरे पास रिकॉर्डिंग है, आप कहते हैं तो मैं रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ आपको कि इनके अंदर क्या हो रहा है। जो कार्रवाई करनी होगी आपके यहाँ आने का क्या फायदा हुआ? हमें हमें तो ये हम फौरी तौर पकड़ लेते लेकिन फौरी तौर बंदा कोई है नहीं, इसको पकड़े इसको। क्या हम जब तक SHO साहब के पास जाएं आपकी नफरी यहाँ मौजूद रहेगी? हम यहीं गए, हम SHO साहब के पास से होके आते हैं। चलें जी आ जाएं। यहाँ पहुँचने वाले अहलकारों की बेबसी, खौफ या फिर शायद किसी भी और वजह के बाइस हमने बिलाखिर थाने जाने का फैसला किया। चंद कदम चलकर हम पुलिस स्टेशन में दाखिल हुए। SHO साहब वहां तशरीफ फरमा नहीं थे, सो उन्हें फोन पर जहमत दी, मगर किसी भी कार्रवाई की बजाय उन्होंने हमें एक लंबी चौड़ी कार्रवाई करने को कहा। ड्यूटी वापस है? अच्छा, वो हमने यहाँ कुछ नेट कैफेज हैं मून मार्केट के इस पे ऊपर वाले फ्लोर पे, आपके अहलकार भी हैं वहाँ पे, तो उनको सील करवाना है सर, उसका क्या प्रोसेस है? पुलिस का क्या काम है सर? पुलिस का काम बढ़िया हिसाब से बात कर रहे हैं। उनका नंबर देंगे आपको? 0308 77 77 77 254। कैश में ग्रामीण चौधरी मोहम्मद सरवर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी, चौधरी सरवर साहब से बात हो रही है? सर मैं इकरारुल हसन अर्ज़ कर रहा हूँ, ARY न्यूज़ से प्रोग्राम करता हूँ सरेआम के नाम से। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा सर, गुजारिश ये है, हमने कुछ अभी ये इंटरनेट कैफ़ेज़ हैं आपके थाने के सामने जो है ना, अपना शमी पान वाला मून मार्केट उसके फर्स्ट फ्लोर पे कुछ 10-11 कैफ़ेज़ थे, तो हमने अपने बंदे भी वहाँ भेजे, रिकॉर्ड वगैरह भी किया कि काफ़ी उन्होंने गंदी मूवीज़ वगैरह रखी हुई थी। अभी आपके अहलकार भी वहाँ पर मौजूद हैं, तो सर उसके खिलाफ़ क्या कार्रवाई हो सकती है और क्या करेंगे सर आप? अच्छा वो मैं बस आपके थाने पे ही हूँ, किसको देना है मुझे बता दें। अच्छा और उसके बाद क्या होगा सर? ठीक है, तो मैं ये इसकी रिकॉर्डिंग दे दूँ या इनको दिखा दूँ और एप्लीकेशन लिख के दे दूँ मोरर साहब को सर? हाँ लेकिन वो फिर ये है ना कि वो उसके लिए तो हमें दफ्तर से CD पे करवा के कन्वर्ट करवा के सुबह में भिजवा दूँगा। चलिए ठीक है सर, ठीक है थैंक यू। चलिए मैं उस CD लेके एप्लीकेशन लेके आ रहा हूँ। हुक्म मिला के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग की CD माँ एक दरखास्त के लेकर कल हाजिर हूँ, फिर शायद DC साहब जिनसी जराइम की इन आमाज गाहों को सील फरमावेंगे। हालांकि इंटरनेट कैफे, उनके खुले हुए सर्वर, उनमें मौजूद फोहश फिल्में, खिलाफ कानून बनाए जाने वाले केबन और सारे के सारे शवाहिद पुलिस के सामने मौजूद थे और हमने थाने से वापस आकर भी उन्हें ये सब कुछ दिखाया, लेकिन कार्रवाई ना होना थी और ना हुई। वो कहते हैं जी CD आप ले आए,
फिर उसको सील करवाएंगे कल हमने कहा जब घर दफ्तर जाते हैं उसको सीढ़ी बनाते हैं सीढ़ी ला के दे देते हैं मूवीज नहीं चल रही आपके यहाँ गंदी मैं नहीं मैं तो वैसे भाई मालिक होना बैठे हुए थे ना यहाँ पे पुलिस लेके जाती पैसे 500 1000 इतने दिल्ली ले जाती है बंद क्यों कर रहे हैं कैफे क्या कैफे क्यों बंद कर रहे हैं कौन बंद कर रहा है दुनिया को बेवकूफ समझते हैं आप लोग यार कर रहा हूं लेकिन क्यों बात ही है ये आपके बैग की बात है जिम्मेदारी है ना जिम्मेदारी है मेरी इसे पहले इसे करना अगले रोज सरेआम की टीम ने दिन भर नेट कैफेज के नाम पर चलने वाले बदकारी के इन अड्डों के बारे में कुछ मजीद मालूमात हासिल करने की कोशिश की और शाम ढलते ही फैसल टाउन के इलाके में पहुंच गई। यहां वाके फ्लैट्स की मुख्तलिफ गलियों में 30 से जायद इंटरनेट कैफेज मौजूद हैं। इनमें से कुछ ही इंटरनेट कैफे हैं और बाकी के सब के सब एंटरटेनमेंट कैफे। हमने यहां भी पहले अपने नुमाइंदे को भेजा ताकि अंदर मौजूद माहौल और फोहश मवाद के शवाहिद हमारे पास पहले से मौजूद हों। और फिर अंदर मौजूद नुमाइंदे की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिलते ही सरेआम की टीम इन कैफेज में मौजूद थी। क्या कर रहे हैं? क्या कुछ नहीं, मूवीज नहीं चल रही आपके यहाँ गंदी। कौन सी गंदी है? वो सब रिकॉर्ड हो गया। मैं मालिक नहीं हूँ। कौन है मालिक? बुलाएं, कॉल करें। मैं नहीं हूँ, मैं तो वैसे भाई मालिक होना। आप बैठे हुए थे ना यहाँ पे, आप जाएंगे नहीं यहाँ पे, पुलिस आएगी तो जाएंगे आप। छत से लगते हुए दरवाजे और अंदर चलती हुई फोहश फिल्में सारे का सारा हाल बयान कर रही थी। यहाँ भी गुनाहगार आंखों ने गुनाह के बहुत से मनाजिर देखे, मगर जाने दीजिए। ये लोग लगते हैं यार इंटरनेट यूज करने वाले, भत्ते के बगैर नहीं चल सकता ना। भत्ते के बगैर इस मुल्क में कुछ चल सकता है? पुलिस को अगर नहीं जाता तो चल रहा है अभी, बता के नहीं। पुलिस लेके जाती पैसे? लेके जाती हर कैफे से। हर कैफे से कितने पैसे? 500